हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम किस तरीके से उनका जो स्माइल होता है वो चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये स्माइल करेक्शन में किस किस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट किया जाता है। इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, दांत आगे पीछे हैं, या दांतों में दांत घिस गए हैं, दांत खिर रहे हैं, छोटे छोटे टूट गए हैं, या फिर आपके दांतों में किसी तरीके से कीड़ा लग गया है जिसके कारण आपकी जो स्माइल है वो गंदी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें स्माइल करेक्शन में ठीक की जाती हैं। यही सारी प्रॉब्लम लेके हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनके दांतों का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा ब्राउन था, येलो पड़ गया था, और दांतों की सफाई करने के बाद भी उनके दांतों में कोई अंतर नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को लेके जब हमने उनको स्माइल करेक्शन के बारे में बताया तो वो स्माइल करेक्शन करवाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनको अपने दांतों की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे थे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उनकी पहली फ़ोटो दिखाती हूँ कि पहली फ़ोटो में जब वो हमारे पास आए थे उस समय उनके दांतों की कंडीशन क्या था। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें इनके जो फ्रंट टूथ है यानी जो ऊपर का दांत है इसमें इनका कीड़ा लगा हुआ है, साथ ही इनके दांतों के ऊपर वहाँ पर प्लाक जमा है, यानी आप एक लेयर देखेंगे तो हर जगह पे प्लाक जमा है, और साथ ही इनके जो नीचे के दांत हैं वो थोड़े आगे पीछे भी हैं। तो और इसमें से कुछ दांतों में काफ़ी ज़्यादा कीड़ा भी लग गया है। तो इसी चीज़ को लेके ये सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी इनके दांतों में हम लोगों को देखने को मिली। इसके बाद में हमने जब इनकी डेंटल स्केलिंग की, क्योंकि कभी भी आप पेशेंट को ट्रीट करते हो या स्माइल ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसका सबसे इनिशियल स्टेप होता है कि आपको डेंटल स्केलिंग ज़रूर करना है। डेंटल स्केलिंग करने से क्या होता है कि आपके दांतों की जितनी गंदगी है वो सारी हट जाती है और जो दांतों की ओरिजिनल कंडीशन है वो हम लोगों के सामने आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम ये हमारे पास आए थे और हमने इनकी स्केलिंग की उसके बाद में इनके दांतों में कितना अंतर आया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की वाइट लेयर थी वो पूरी तरीके से हट गई, जो भी इनके टाटर जमा था, प्लाक जमा था, वो पूरी तरीके से हट गया। जो इनके दांतों में कीड़ा लगा था वो भी हमें साफ तौर पे दिखाई देने लगा, और हर एक दांत की जो कंडीशन थी वो हम अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ में इनको एक प्रॉब्लम था कि इनके जो मसूड़े हैं उसमें से ब्लीडिंग भी होता था, बहुत कम बट ब्लीडिंग होता था, और साथ ही मुँह से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती थी। तो इसी को लेके जब हमने स्मेल आने का कारण था कि कुछ दांतों में कीड़ा लगा था, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अगर आपके भी दांतों में कभी कीड़ा लग जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप उस कीड़े को नहीं निकलवाते या ठीक नहीं करवाते हो तो मुँह से बदबू आना बहुत कॉमन सी चीज़ है। वो माना जाता है कि आपके मुँह से थोड़े टाइम के बाद में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके दांत मुँह के अंदर अगर एक भी दांत सड़ गया है तो आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। जैसे ही हमने क्लीनिंग किया, क्लीनिंग करने के बाद भी इनके सारे दांतों की जो कंडीशन थी वो हम लोग ईजीली देख सकते हैं। इसके बाद में हमने डिसाइड किया कि जिस दांत में कीड़ा लगा है, यानी जिस दांत में कीड़ा लग गया है या फिर दांत टूट गया है या फिर दांत आगे पीछे है, इन सब के लिए हमने इनके दांतों का एक एक करके एक्सरे लिया, जिसके बाद में हमें पता चला कि कुछ दांतों में इनको हाइपर सेंसिटिविटी है, कुछ दांतों में इनको कीड़ा लगा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो इसके लिए हमें उनकी आरसीटी करनी पड़ी, जिसके बाद में हमने जो नीचे इन्फेक्शन था वो पूरा निकाल दिया, और इसी के साथ में हमने इनके दांतों को प्रिपेयर कर लिया। दांतों को प्रिपेयर हमने इनके जिरकोनिया क्राउन के लिए किया है ताकि इनकी स्माइल हम लोग थोड़ी चेंज कर सकें। तो जब हमने इनका पूरा जो है आगे का फ्रंट है उसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद में हमने इनका नाप लिया, नाप लेके लैब में सेंड कर दिया। लैब से हमारे पास दांत जब बन के आ गए और हमने इनको बाद में जब इनके जो टीथ हैं वो लगाए, और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इनके स्माइल में पहले के स्माइल में और बाद के स्माइल में कितना डिफरेंस है। तो जैसे कि आपने डिफरेंस देखा इनकी पहले की स्माइल में और बाद की स्माइल में, इनका बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, और इनके चेहरे पे ये स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। अपनी स्माइल देख के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे कि उनकी स्माइल में इतना सारा करेक्शन है जो ईजीली आ गया। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी दिक्कत है या आप अपनी स्माइल को ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है, कोई यहाँ के अपना इलाज करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।